हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं तेज मिश्रा और आप देख रहे हैं टिंकर तेज यूट्यूब हिंदी चैनल। दोस्तों, आपने यहां पे देख लिया होगा कि ये वीडियो किस पे होने वाला है। तो यहां पे मैंने अपना लैपटॉप और यहां पे अपना मॉनिटर रखा हुआ है। तो यहां पे मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप जो है अपने लैपटॉप को एज अ मॉनिटर, आप अपने मॉनिटर में डिस्प्ले उसको जो है शेयर करना चाहते हैं, मीन्स कि अपने लैपटॉप का जो डिस्प्ले है अपने मॉनिटर में यहाँ पर देखना चाहते हैं HDMI केबल के थ्रू, तो वहाँ पर अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आपका जो डिस्प्ले वहाँ पे शो नहीं होता आपके मॉनिटर में। तो वो क्यों नहीं होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप जो अपने लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं अपने मॉनिटर में, तो वहाँ पे आपको सेटिंग्स में कुछ सेटिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे उसको अप्लाई करना होता है। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि उसी वजह से आपका जो मॉनिटर है वहाँ पर जो है डिस्प्ले वहाँ पर शो नहीं होता आपके मॉनिटर में। तो आप इसको देखते रहिए वीडियो, और मैं बताऊँगा क्या करना है, तब आप जो है ऐसे करेंगे तो आपका जो डिस्प्ले वहाँ पे शो होने लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास HDMI केबल है, मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैंने सारा चीज़ ऑन किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले भी जो मॉनिटर है सॉरी जो लैपटॉप का जो डिस्प्ले है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने सेटिंग खोला हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, पहले मैं यहाँ पे जो है अपना रिकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें मॉनिटर में शुरू कर देता हूँ। अगर रिकॉर्डिंग होती है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा। तो मैं इसको बंद करके अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे चालू कर देता हूँ अपने लैपटॉप में, ताकि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर दिखाई देती रहें, क्योंकि इस तरह से आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। तो मैं पहले इसको रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। सो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे अपना रिकॉर्डिंग जो है PC में स्टार्ट कर दिया है अपने लैपटॉप में। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता भी रहूँगा, आपको दिखाई भी देगा। थोड़ा सा यहाँ पे PC ओल्ड है, मैं जिसकी लैपटॉप मेरा थोड़ा सा ओल्ड है, थोड़ा सा इधर उधर आगे पीछे हो सकता है वीडियो, तो उसके लिए मैं आपसे पहले से ही सॉरी मांग लेता हूँ। बाकी मैं अब आपको दिखाता हूँ कि वो सेटिंग कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि अपने लैपटॉप में जाना है, जिसको आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करना, जैसे लैपटॉप का स्क्रीन आपको शेयर करना है अपने मॉनिटर में, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले अपने माउस का जो राइट क्लिक है डेस्कटॉप पे, वहाँ पे क्लिक करना है। उसका पर्सनलाइज का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा नीचे, तो उस पर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर जैसे आप डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो ऊपर सबसे जाना है, यहाँ पे एडजस्ट रेजोल्यूशन पे क्लिक करना है। तो उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे 1 मोबाइल PC डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, बाकी रेजोल्यूशन जो यहाँ पे मेरे लैपटॉप का है वो यहाँ पे सेट है बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे लैंडस्केप में है, तो ये पूरा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऐड है। अब दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ पे अपना यहाँ पे ये मॉनिटर में जो मैंने यहाँ पे HDMI केबल लगाया है अपने लैपटॉप में लगाऊंगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आएगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं हट गई है। उसके बाद ये स्क्रीन मॉनिटर पे यहाँ पे शेयर हो गई है, आप ये भी देख सकते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल डिस्प्ले का एक ऑप्शन भी यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों, अगर ये रिकॉर्डिंग में आ रहा होगा तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे मल्टीपल डिस्प्ले का ऑप्शन आ गया होगा। बस यही होता है कि अगर आप मल्टीपल डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे डुप्लीकेट दिस डिस्प्ले, तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सटेंड दिस डिस्प्ले, उसके बाद सो डेस्कटॉप ओनली 1 डिस्प्ले, मीन्स कि आप सिर्फ एक डिस्प्ले यहाँ पे सेट करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, या दोनों, जैसे सो ओनली 2, सेकेंड वाला आप ओके कर देंगे यहाँ पे ऑप्शन पे करके, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो सेकेंड वाला आपका जो डिस्प्ले है वो सिर्फ शो होगा। उसके बाद यहीं पे अगर आप जो है एडजस्ट रेजोल्यूशन पे फिर से जाएंगे, तो वहाँ पे आपको जो है एक ऑप्शन यहाँ पे ओनली 1 वाले क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये भी आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, उसके बाद ओके कर देना है, तो आपका जो सेकेंड वाला है वो यहाँ पे बंद हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेकेंड वाला मेरा यहाँ पे बंद हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको मॉनिटर पे करना है, तो फिर आपको यहाँ पे इसको रिवर्ट कर देंगे, तो फिर से वही हो जाएगा।
तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे दो तीन ऑप्शन मिल जाते हैं वहाँ पे। तो अगर आपका यहाँ पे डिस्प्ले शो नहीं हो रहा आपके मॉनिटर पे, तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पे सेटिंग में चेंज करके तो आप यहाँ पे अपने मॉनिटर पे डिस्प्ले अपना शो कर पाएंगे दोस्तों। अब बाकी कोई चीज़ें यहाँ पे नहीं होती, बस सेटिंग्स की यहाँ पे दिक्कत होती है। इन्हीं में से आपको कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो जैसे मैं शो ओनली वन करूँगा, उसके बाद अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर वन वाला ही सिर्फ यहाँ पर शो होगा, उसके बाद रिवर्ट कर देंगे तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ओनली टू कर दूंगा तो सिर्फ ये ओनली टू ही यहाँ पे जो है अप्लाई होगा और वहाँ पे शो होगा। तो मैंने टू पे कर दिया तो मेरा मॉनिटर वाला जो है वो टू पे है, तो सिर्फ टू पे ही यहाँ पे अब जो है डिस्प्ले ये शो होगा और लैपटॉप में यहाँ पे शो नहीं होगा। तो फ्रेंड इस तरह से आप जो है अपने सेटिंग्स को यहाँ पे चेंज करके अपने डिस्प्ले को वहाँ पे शो कर पाएंगे। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर कोई और एडिशनल दिक्कत होती है तो यहाँ पे सिर्फ हो सकता है कि आपका जो HDMI केबल है वो यहाँ पे आपका अच्छा ना हो, बेकार आपने सस्ता वाला लिया हो। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैंने 3 मीटर लिया हुआ है, करीब 300 या 400 रुपये का था। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहाँ से मैंने परचेस किया, वो आप जो है यहाँ पर खरीद सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आपका दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ कि ऑडियो नहीं आ रहा है डिस्प्ले में, तो यहाँ पे अगर आपका ऑडियो नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने लैपटॉप में ऑडियो यहाँ से सुन सकते हैं। यहाँ से आप जो है आपका जो लैपटॉप में दिया होगा वहाँ पे आप जो अपने ऑडियो को कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले में अगर नहीं आ रहा तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। अगर आपके डिस्प्ले में वहाँ पे पीछे दिया होगा ऑडियो, तो वहाँ पे भी आप जो एक्सटर्नल ऑडियो लगा के ईयरफोन वगैरह लगा के वहाँ पे सुन सकते हैं। बाकी आपको और कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी और आप जो है बिल्कुल जिस तरह से आपका यहाँ पे डिस्प्ले है सेम वहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपको डिस्प्ले यहाँ पे छोटा बड़ा यहाँ पे दिखाई देता है, तो एक चीज़ और है, यहाँ पे रेजोल्यूशन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे जो पीसी का लैपटॉप का रेजोल्यूशन है वो अलग है, यहाँ पे जो मॉनिटर का रेजोल्यूशन है वो अलग है, यहाँ पे 90:20:1080 है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पहले से इसको सेट कर दिया है, आप भी जो है वहाँ पे जाके सेट कर सकते हैं। जैसे कनेक्ट करेंगे वहाँ पे उसके बाद सेट कर सकते हैं। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप उसको डिसकनेक्ट करेंगे तो आपका जो पीसी का सॉरी जो लैपटॉप का यहाँ पे डिस्प्ले है रेजोल्यूशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट वहीं पर जो है ये सेट हो जाएगा, सेव हो जाएगा, वहाँ पर वो आपको दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मॉनिटर करते हैं तो एक बार चेंज जरूर कर लीजिएगा अपने मॉनिटर के हिसाब से। जो भी मॉनिटर का आपका यहाँ पर रेजोल्यूशन होगा उसको आप जो है यहाँ पर एक बार सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो, मुझे लगा कि आपको यहाँ पे बता दिया जाए, आपके यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया होगा इस वीडियो से। अगर आपको और भी कोई दिक्कत होती है तो नीचे आप जो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई करूँगा, आपको यहाँ पे हेल्प करूँगा, जो भी मुझसे बन सकता है मैं आपको जरूर यहाँ पे हेल्प करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह वीडियो लेके आता रहता हूँ, आप सभी की हेल्प करता रहता हूँ, तो आप जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं रियल चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ, कोई फेक चीज़ें नहीं बताता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइव आपको यहाँ पे दिखाया है। तो अगर आपको लगता है मेरे वीडियो में थोड़ा सा भी आपको रियलिटी दिखाई दी हो तो आप जो चैनल को जरूर यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों आप कुछ भी यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी यहाँ पर जो अच्छा नहीं लगता है वीडियो, कोई अगर वीडियो में कुछ पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा, जो भी चीज़ें नहीं अच्छी लगी वो भी आप जो कमेंट बताइए, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।